हम हमारा अधिकार जानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार जानते नहीं किसी से भीख मांगते। बड़े बांध धक्का है, धक्का मारो मौका है। बड़े बांध धक्का है, धक्का मारो मौका है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। नमस्कार, द वायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोषी। नर्मदा बांध में अभी फिलहाल 133 मीटर पानी भरा हुआ है। सरकार उसमें 139 मीटर पानी भरना चाहती है। 133 मीटर पानी भरने से ही वहां पे कई सारे गांव डूबान में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 192 गांव डूबे हुए हैं और 32,000 लोग प्रभावित हुए हैं। उनकी मांग है कि उस इलाके में जितने भी डूबान में आने वाले गांव हैं उनको पहले पुनर्वास किया जाए, उसके बाद बांध में पानी भरा जाए। दिल्ली के जंतर मंतर में नर्मदा बांध के डूबान में आने वाले लोग धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी नर्मदा नदी में बाढ़ आने की वजह से वहां के उस इलाके में भी आदिवासी और बहुत सारे गाँव डूबान में आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्याएँ हैं और क्या मांगे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने 2014 में सबसे पहली बार आते हुए यह बांध उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पूरी तरह कर दिया, मतलब 139 मीटर तक बांध को उन्होंने बना दिया। आज जब मानसून है, बारिश हो रही है, पूरे देश में बाढ़ की स्थिति आई हुई है, तो गुजरात सरकार की जिद है कि वह 139 मीटर तक बांध को भरना चाहती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि जब मध्य प्रदेश में, जहां सबसे ज़्यादा डूब से प्रभावित लोग हैं, 172 गांव हैं, एक नगर है, लगभग 40,000 परिवार, मतलब 2,00,000 लोग वहां पर रह रहे हैं, तो वैसे में आप कैसे कह सकते हो कि बांध को पूरा भरेंगे? क्योंकि आज भी हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए, इसमें 42,871 परिवार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हैं, उसमें से आज भी गाँव में 31,593 लोग रह रहे हैं। सिर्फ 10,401 लोग हैं जो कि गए हैं बसाहटों पे गए हैं। तो जब 32,000 लोग गांव में रह रहे हैं, 32,000 लोग मतलब परिवार, हर एक परिवार में अगर 5 लोग ही मान लीजिए तो 32,000 × 5 लगभग 1,50,000 से ज़्यादा लोग आज भी मूल जगह पे रह रहे हैं। अभी वहाँ पर पानी का लेवल 133 मीटर है। 133 मीटर के दौरान जो हुआ है कि निसरपुर, जो सबसे बड़ा गांव है, 3,000 परिवार का गांव है, निसरपुर में पानी घुस चुका है, पिछोड़ी है, चिकलदा है, छोटा बड़दा है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर पानी घुस गया है। अब 133 में ये हाल है तो 139 में क्या होगा? आज जो आने का कारण ये रहा कि देश भर में प्राकृतिक जो बरसात हो रही, कितना प्राकृतिक से होता है और कितना सोचने वाली बात है कि बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, उससे डूब रहे हैं। चाहे दिल्ली को, निचली बस्ती को हथनी कुंड क्यों नहीं डूबा रहा, हमको भी प्राकृतिक डूब कोई हमारे को नहीं घेर रही है। आज जो मोदी जी की तरफ से और गुजरात सरकार की ओर से डुबाया जा रहा है बांध में, वैसे तो 8 फरवरी 2017 में जो फैसला आया था, 31 जुलाई 2017 को ही पानी भरने का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 31 जुलाई तक पानी भर दीजिए, पर साथ साथ में ये भी कहा था कि वहाँ के जो विस्थापित है, किसान है, जिनको 30,00,000 रुपए हेक्टर से अनुपात में मुआवजा, जिन लोगों के साथ में पहले फर्जीवाड़ा हुआ था, ऐसे लोगों को 15,00,000 रुपए, साथ साथ में ये भी था कि उनके पुनर्वास स्थलों पर अगर जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, चरनोई की जगह शमशान घाट, ये जो व्यवस्थाएँ था ये भी करने की व्यवस्था है उनको कहा था। पर आज आप देख रहे हैं 31 जुलाई 2019 भी निकल गया, उस फैसले की डेट जो 31 जुलाई 2017 के बाद में, बाद के 2 सालों के बाद में भी आज जस की तस स्थिति, लोग आज जो पानी भरा जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सरदार सरोवर की गेट बंद करने की वजह से हमारे गांव-गांव में डूबाई है। निसरपुर जैसे छोटे से एक वो है, उसमें लगभग 750-800 घर डूब चुके हैं। खुद मैं प्रभावित हूँ विस्थापन, पर अभी तक सरकार ने 34 साल हो गए पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, पुनर्वास भी ढंग का हुआ है और बांध में पानी भर, सदा समय पानी भर रहे हैं। तो देखिए आप पोस्टर देख रहे हैं, गांव-गांव में डूब आई है,
और लोग तराही तराही कर रहे हैं, उनको पुलिसों द्वारा निकाल रहे हैं, नावों द्वारा निकाल रहे हैं, और ऐसी सब समस्याओं खड़ी हो रही है। और पानी भी गंदा हो गया है, वही पानी हमारे आदिवासी लोग सब पीते हैं, उससे भी बीमार होते हैं। और अभी खास इसलिए आए कि जब सभी दूर पानी ही पानी हो रहा है, हमने सोचा सरकार को बताएं कि 122 मीटर का ही पानी रखें, ताकि हमारे गांव अभी डूबे नहीं। और अभी तत्काल में ऐसा है कि अभी हमारे जो गांव है, कहीं के गांव में 100 मकान डूब गए हैं, कहीं के गांव में 80 मकान डूबे हैं, कहीं के गांव में 15-20 भी डूबे हैं। ऐसे जो निचली बस्ती है वो सब डूब में है, और कुछ गांव टापू में बने हैं, उनको भी सरकार कुछ साधन नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ ये है कि जब डूब आती है तो अनेक तरह के जीव जंतु सांप वगैरह बिच्छू निकलते हैं, और उनकी लाइन भी काट दी सरकार ने। बांध की वजह से अभी तो ना तो नर्मदा जी में मछली मर रही, क्यों जलाशय तो बहुत भरा गए, ऐसा तालाब जैसे हो गए थे, वो कहीं मछली भी नहीं लगती अभी हमको कुछ नहीं। सरकार से हमने लकड़े लगड़ झगड़ करी, हमने ना समिति बनाई, पर हमारे महासंघ को साइन नहीं करे लो हैं। अभी यो पानी ज़्यादा कमते छोड़ दे बांध को, तो उन्हें पानी का छोड़ना का वजह से हमारा सब हमारा जो औजार रहता वो वही जाए। पहले जो सर्वे करने आए थे उन्होंने क्या गांव को पहले डूब से बाहर बताया था कि ये गांव डूब में नहीं है, हे नर्मदा के किनारे जस्ट पास में है। अभी क्या पानी जो बढ़ रहा है, अभी जो पानी रोका है तो गांव को चारों तरफ से घेर लिया है पानी ने। तो अभी जो सर्वे करने वाले आए थे अभी कुछ टाइम पहले भी, तो तब बताया कि गाँव में पानी भरेगा, गाँव भी डूब में है। तो उस हिसाब से इतना मेरे को डूब के बारे में पता नहीं, बाकी जो समस्याएँ हो रही है अभी फिलहाल उसमें ये है कि जो गाँव की जो सरकारी स्कूल थी उसमें 8वीं तक की स्कूल थी हमारे गाँव में, तो जो पहले गांव में लगती थी तो उसे भी विस्थापित करके जो पुनर्वास स्थल है बसाहट जो है वहाँ पे विस्थापित कर दिया है। तो वो गांव से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो जो गांव के जो बच्चे अभी सब गांव में रहते हैं क्योंकि इन्हें मुआवजा मिला नहीं है, जो घर बनाने के लिए मुआवजा चाहिए पुनर्वास पे वो मिला नहीं अभी। तो जो गाँव के जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में ही जो अध्ययन करते थे गाँव में, उन बच्चों को 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सुविधा कुछ नहीं है ना, अभी रोड बना है वहाँ पे, पानी की सुविधा नहीं है पुनर्वास स्थल पे, और सरकार बोल रही है कि इनको हटाना है, पानी भर दिया सरकार ने अभी तो आधा, और अभी पानी भरने का चल रहा है। तो समस्या बस यही है कि इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हम रहेंगे कैसे। चिकलदा में लगभग 70-72 घर डूब चुके हैं, और उनको कहीं नहीं, गवर्नमेंट आती है, पुलिस जाती है, उठाती है, ले जाती है, टिनशेड में फेंक देती है। मतलब उनकी मूलभूत सुविधाओं के साथ में व्यवस्था देने की जो बात थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला भी भोपाल बम्बई गांधीनगर दिल्ली में उन राज्य सरकारों ने तय किया था, उन फैसलों की अवमानना सरकारों ने की, उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय गए। उस सर्वोच्च न्यायालय में चाहे 2000 का फैसला हो, 2005 का फैसला हो, या 2017 का जो मैंने अभी कहा, उन फैसलों की अवमानना सरकार कर रही। इसलिए हम दिल्ली में चुनौती देने के लिए आए हैं कि आप अगर पानी भरेंगे तो हम अपनी जान को हथियार बनाएंगे और हमारे गाँव में हम डटे रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।